हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे मेरी तरह। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि किसी भी सिम का स्पीड, नेट की स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये वीडियो में आगे मैं बताने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और एक लाइक कर दीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो नए नए बना कर लाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने नई वीडियो अपलोड की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग है गए, अब किसी के पास जो भी सिम है, ज़रूरी नहीं जियो है, BSNL, कोई भी सिम हो, अब यहाँ जाके फिर मोबाइल नेटवर्क पर जाएंगे। अब यहाँ देखो लिखा APN SS1 नेम, APN क्लिक किया। ठीक है, अब अपने को ऊपर 3 डॉट या नीचे कहीं पे भी ऑप्शन आ जाएगा न्यू APN का, तो ऊपर क्लिक किया न्यू APN। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है नेम का, नेम पे क्लिक किया। यहाँ पे अपने को लिखना है स्पीड, स्पीड। और इसमें क्या है, हाँ नोटिस करना कि जो भी जिसका सिम है, ठीक है, स्पीड, तो उसके बाद यहीं पे लिखेगा जैसे स्पीड जियो नेट। ओके, नाम से हो गया। अब अपने को आना APN में, APN सेटिंग करनी है तो जियो नेट। ओके, APN में जियो नेट करने का आप ध्यान से देखना, सब समझ में आएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद अब यहाँ देखो प्रॉक्सी पोर्ट कुछ नहीं करना, अब यूज़र नेम पे अपने को सेव करने का है। यहाँ पे लिखना है स्पीड डॉट बोट। ठीक है, तो इसको आप सेव कर दो। अब यूज़र नेम हो गया आपका, पासवर्ड पे कुछ नहीं करने का अपने को। अब सर्वर पे अपने आते हैं। ठीक है, तो सर्वर पे आएगा www.google.com। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब अपने पासवर्ड सर्वर हो गया MMSA MMS proxy MMS port MCC MNC, ये किसी को अपने को कुछ छूना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ऑटोमेटिक टाइप पे, इसको क्लिक किया, इस पर पैप और चैप कर देने का, लास्ट में देखो PAP और CHAP, यहाँ पे क्लिक कर दो, ऐसे हो गया। अब इसके बाद अपने का आने हैं और APN टाइप नहीं करना, APN प्रोटोकॉल को सेट करने का, यहाँ से उठाओ और इसको रखो IPv4 IPv6, देखो लास्ट में शो कर रहा है, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, IPv4 IPv6 करने का है अपने को, इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, अब सबसे नीचे बीरर, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बीरर, इसको ओके किया। तो देखो इसको नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, क्योंकि इसमें इसको हटाया यहाँ से। अपने को क्लिक किस पे करना है, LTE HS PAP HS PA। ठीक है, अब उसके बाद अब नहीं करना, अब ये GPRS। ठीक है, अब ये EDGE उसके ऊपर है, इसको करने का अपने को। अब यहाँ पे अपने आते हैं और एक कुछ बचा है क्या, हाँ ठीक है, कुछ नहीं बचा। और ये नीचे के दो हैं, ये अपने को दोनों कर देने के हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप शो कर दो। ठीक है, अगर लास्ट वाला जो है उसको आप स्क्रीनशॉट लेके सब देख लेना, एक बार चेक कर लेना वापस वीडियो पूरा देख के, और यहाँ से शो कर दिया। ठीक है, तो आपकी ये वाली थर्ड नंबर पे है, यहाँ इसको क्लिक करके चालू कर लेने का है। ठीक है, यहाँ पे हो गया सब कुछ। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पता नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, आपको पता चल जाएगा मेरे नई वीडियो आते ही। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय, जय हिंद।